सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पर कन्नौज से मुंबई तक छापेमारी। आयकर विभाग ने एक साथ डाला एमएलसी के ठिकानों पर छापा। छापेमारी से नाराज सपाइयों ने बीजेपी पर बोला हमला। पुष्पराज जैन के यहां छापेमारी पर क्या बोले अखिलेश यादव, देखिए सपा नेताओं ने बीजेपी पर क्या लगाए हैं आरोप। आखिर कितनी संपत्ति के मालिक हैं एमएलसी पुष्पराज जैन। सपा नेता हो या पत्रकार, बीजेपी पर पीयूष जैन के यहां छापेमारी को बीजेपी की गलती बता रहे थे और दावा कर रहे थे कि छापा सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के यहां डाला जाना था, लेकिन वो गलती से पीयूष जैन के यहां पड़ गया तो आज का सूरज उगा और पुष्पराज जैन के यहां भी छापेमारी होने लगी। गजब की बात तो यह है कि पुष्पराज जैन के ऊपर छापेमारी कन्नौज से लेकर मुंबई तक की जा रही है। पुष्पराज जैन के यहां छापा पड़ा तो फिर सपा नेता गुस्से से तिलमिला उठे और अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब तक कितने ठिकानों पर छापेमारी हुई और क्या कुछ आयकर विभाग को मिला है, तो हम आपको सारी जानकारी एक एक कर देंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के कन्नौज वाले घर से लेकर अलग अलग ठिकानों पर सुबह से ही आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। इत्र कारोबारी आयकर विभाग की टीम ने पुष्पराज जैन पर एक्शन लिया है। आईटी विभाग की ये छापेमारी कन्नौज, कानपुर, नोएडा, हाथरस से लेकर मुंबई तक जारी है। पुष्पराज जैन के अलावा मलिक मियां के घर पर भी छापेमारी हो रही है, जो कन्नौज के ही एक इत्र व्यापारी हैं। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग पुष्पराज जैन के बैंक खातों की भी जांच कर रहा है, जो मुंबई स्थित ब्रांच के हैं। इसलिए आयकर विभाग की टीम मुंबई से लेकर कन्नौज तक छापेमारी कर रही है। दरअसल पुष्पराज जैन के कन्नौज स्थित घर और फैक्ट्री पर छापेमारी के अलावा हाथरस वाली फैक्ट्री पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। सपा एमएलसी पंपी जैन उर्फ पुष्पराज जैन की दो गाड़ियों में आधा दर्जन से अधिक आयकर विभाग के अधिकारी कोठी और फैक्ट्री की छापेमारी करने पहुंचे हैं। पुष्पराज जैन की फैक्ट्री हाथरस जिले के हसायन कोतवाली क्षेत्र में सिकतरा रोड पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि पुष्पराज जैन समेत अलग अलग कारोबारियों के यहाँ कुल 50 जगहों पर छापा मारा जा रहा है। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन यानी पंपी जैन के दफ्तर पर भी आयकर विभाग की टीम है। यहाँ भी दो गाड़ियों के साथ आयकर विभाग की टीम पहुंची है। यहाँ एक्सप्रेस रोड में पंपी जैन का कार्यालय है। आयकर विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई कन्नौज वाले घर और फैक्ट्री पर हो रही है, क्योंकि पुष्पराज जैन का घर कन्नौज में है, इसलिए आयकर विभाग की टीम सुबह से ही यहां बड़े पैमाने पर रेड मार रही है। आईटी की टीम पंपी जैन के घर से एक बैग ले जाते हुए देखी गई। हालांकि टीम के सदस्य अब भी घर के अंदर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम नोएडा और मुंबई में भी छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुष्पराज जैन के घर और अलग अलग जगहों पर स्थित दफ्तरों से टीम को क्या क्या मिला है इसकी डिटेल सामने नहीं आई है और ना ही ये पता चला है कि पुष्पराज जैन पर क्या क्या आरोप हैं। इनकम टैक्स की मुंबई टीम पुष्पराज जैन के ठिकानों पर DGGI की मदद से छापेमारी कर रही है। पुष्पराज जैन का इत्र का कारोबार मिडिल ईस्ट कंट्रीज में फैला है। 2016 में उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार पुष्पराज जैन और उनके परिवार के पास 37.15 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 10.10 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उन्होंने कन्नौज के स्वरूप नारायण इंटर कॉलेज में 12वीं तक की पढ़ाई की है। अब जब पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी हो रही है तो सपा नेताओं ने सवाल दागा और कहा कि आयकर विभाग की छापेमारी तो कालाधन पकड़ने के लिए होती है और बीजेपी का दावा है कि नोटबंदी के बाद कालाधन खत्म हो गया है। अगर कालाधन खत्म हो गया है तो फिर विरोधी दलों को बीजेपी क्यों परेशान कर रही है, और अगर कालाधन है तो फिर बीजेपी अब तक झूठे दावे क्यों कर रही थी। बीजेपी को इसका जवाब देना ही होगा, और अगर बीजेपी दोनों सवालों का जवाब नहीं देती है तो फिर आने वाले चुनाव में बीजेपी को जवाब जनता देगी और बीजेपी को सत्ता से उठाकर जमीन पर पटक देगी, क्योंकि बीजेपी का झूठ अब सबके सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।